I'm not going to comment on that. Thank you. Again, I am not going to comment on that. Recently, जब काजोल से हमने जब तक है जान और सन ऑफ सरदार को लेकर चली आ रही कॉन्ट्रोवर्सी पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार बस यही कहा काजोल, अजय हैज बीन, अजय सीसीआई हैज वॉच्ड द थिंग, कैन यू गिव योर रिएक्शन टू दैट प्लीज? I'm not going to comment on that. Thank you. Kajal, please, it'll be like, do you think you're in the crossfire between Yashraj and Mr. Vaid? Again, I am not going to comment on that. I've come for an event. Let's stick to questions on that. Thank you. काजोल को इस तरह देखकर हम सरप्राइज रह गए थे कि आखिरकार क्यों वो खुलकर अपने हस्बैंड अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार को प्रमोट नहीं कर रही। लेकिन चलिए, देर से ही सही, अब आखिरकार काजोल खुलकर सन ऑफ सरदार के सपोर्ट में आ गई है। रिसेंटली दुबई में एक इंटरनेशनल इवेंट पर हॉलीवुड स्टार्स जेरार्ड बटलर के साथ पहुंची काजोल ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि वो सन ऑफ सरदार के लिए रूट कर रही है। I am rooting for Son of Sardar. It's my favorite and my home production. Well, चलिए देर से ही सही काजोल ने फ्रेंड्स को बुलाकर अपनी फैमिली का साथ दिया है, जो कि होना भी चाहिए। साथ ही एक और बात अब पूरी तरह से साफ हो गई है कि 12 नवंबर को होने जा रहे जब तक है जान के स्पेशल प्रीमियर पर यश चोपड़ा की खास हीरोइंस में से एक काजोल नजर नहीं आएंगे। वेल, काजोल ने पूरी कोशिश तो जरूर की कि वो इस कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखें, लेकिन मीडिया में आ रही खबरों के बाद अब उन्होंने फाइनली अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।